हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन टेस्टी कुकिंग बाय सोनिया। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी सी मैंगो शेक की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम ये बहुत डिफरेंट तरीके से तैयार करेंगे। हम इसे गोंद कतीरे से तैयार करेंगे। गोंद कतीरा बहुत ही ठंडक देता है गर्मियों में, और आप इसे किसी भी ड्रिंक के साथ इसे मिला सकते हैं। आप इसे दूध के अंदर मिक्स कर सकते हैं। ये गोंद कतीरा है इस तरीके से। अगर आपको पिसा हुआ मिलता है तो आप इसे पिसा हुआ ले लीजिए। आपने 4 से 5 घंटे इसको पानी में भिगो के रख देना है, तो इस तरीके से ये फूल जाएगा। फिर हमने थोड़ी सी फलूदा ली है, हम इसे शेक में डालेंगे। फिर हमने यहाँ पर चिया सीड को पानी में भिगो के रखा था, ये फूल चुके हैं इस टाइम। पिसी हुई शुगर चाहिए होगी आपको। नट्स के अंदर अगर कोई भी नट्स अच्छे लगते हैं तो आप इसे डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर पिस्ते लिए हैं, काजू है, किशमिश है और बादाम है। फिर हमने यहाँ पर रोज़ पेटल लिए हैं, 2 कप हमने मिल्क लिया है। तो अब आगे की रेसिपी पे चलते हैं। अब मैंने यहाँ पर इसको शेक जार के अंदर ट्रांसफ़र कर लिया है। तो अब हमने इसमें शुगर को ऐड करना है। शुगर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करेंगे, जितनी भी आपको चाहिए। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा गोंद कतीरे को ऐड करूँगी और दूध को ऐड करेंगे। अब हमने शेक को तैयार कर लिया है। यहाँ पर हमने एक ग्लास रखा है, ग्लास के अंदर हमने गोंद कतीरा ऐड करना है। जितना आप चाहे ऐड कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी और ठंडा होता है ये खाने में। और इसके बाद हम इसमें चिया सीड को ऐड करेंगे। अगर आप चाहे तो इसमें ना ऐड करिए, आपको नहीं अच्छा लगता तो, मगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगेगा। चिया सीड ऐड करने के बाद अब हम थोड़ी सी इसके अंदर फलूदा डालेंगे। यहाँ पर हमने ये फलूदा ऐड किया है, और थोड़े से हम इसमें मैंगो के पल्प ऐड करेंगे। ये मैंने काट के रख लिए थे। और अब हम इसमें शेक को ऐड करेंगे। ये हमने पोर कर दिया सारा। अब हमने इसके अंदर ऊपर से मैंगो को ऐड करना है। और यहाँ मैंने थोड़े से इसमें चिया सीड ऐड करे हैं। थोड़े से हम इसमें नट्स डालेंगे, जो आपको अच्छे लगते हैं वो नट्स आप इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने काजू, किशमिश, बादाम और पिस्ते डाले हैं, तो आप कोई भी नट्स इसमें ऐड कर सकते हैं। और थोड़ी सी हम इसमें केसर ऐड करेंगे। यहाँ पर मेरे पास थोड़ी सी केसर थी तो मैं इसको ऐड करूँगी। और यहाँ पर हमने इसमें रोज़ पेटल को ऐड कर देना है, तो ये बहुत शाही लुक लगेगा देखने में। तो बहुत ही इजी रेसिपी है, आप इसे ज़रूर बनाएं और बताएं मेरी रेसिपी आपको कैसी लगती है। यहाँ पर आप इसे 2 तरीके से ये शेक खा भी सकते हैं और पी भी सकते हैं। बहुत ही शाही लुक है और बहुत ही टेस्टी है। तो आप मेरी मोर वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें। और मैं अब आपको नई रेसिपी के साथ मिलूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।